वादी गुरेज को एक्सप्लोर करने के बाद ज़िला इंतज़ामिया बांडीपुरा व महकमा सयाहत की जानिब से ये लगातार कोशिश की जा रही है कि बांडीपुरा ज़िले के अंदर जो अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। इसी सिलसिले के तहत आज ज़िला बांडीपुरा के अठवतु इलाके में एक विंटर कार्निवल के नाम से फेस्टिवल किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया बांडीपुरा की जानिब से आज अठवतु इलाके में विंटर कार्निवल फेस्टिवल मुनक़द हुआ। बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी लोगों ने इस फेस्टिवल में शिरकत की। इस फेस्टिवल में सैकड़ों की तादाद में बांडीपुरा के नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिसका मकसद अठवतु इलाके में सियाहत को और मजीद फ़रोग देना था। इस फेस्टिवल की क़यादत ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद, SSP बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा, ADDC बांडीपुरा अली अफसर खान, वाइस चेयरपर्सन DDC कौसर शफीक, ज़िला के दीगर अफसरान के अलावा पुलिस, फौज, PRIs व मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकामी लोगों ने इस फेस्टिवल में शिरकत करने वाले लोगों का पुरजोर इस्तकबाल किया। इस फेस्टिवल में ऐसे सरमाई खेल पेश किए गए जो काबिल-ए-सताइश थे, जिनमें सुनो कबड्डी खेल, सुनो वॉलीबॉल, सुनो टग ऑफ वार काबिल जिक्र है। इस मौके पर कई रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। पेश रहे और जिनके जिनकी हमेशा से मैं ख्वाहिश रही इस मौके पर मुकामी लोगों ने इनके इलाके की खूबसूरती को उजागर करने पर और इस इवेंट को मुनक़द करवाने पर जिला इंतजामिया बांडीपुरा का शुक्रिया अदा किया। यहाँ का जो यूथ है, जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, कोई बेड करके है, कोई PhD करके यहाँ पे बैठे हैं कांगड़ी फेरन लगा के, इंशाल्लाह आगे ऐसा नहीं होगा। आगे इस फेस्टिवल की वजह से, इस फेस्टिवल के द्वारा इन्हें थोड़ा रोज़गार भी मिलेगा और ये आगे बढ़ेंगे और अपने इस इलाके को हमेशा के लिए डेवलप करके इसका नाम रोशन करेंगे। यहाँ पे हमें रोज़गार मिलेगा, हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट आ सकता है आउटसाइड से, उसको हम कई जगह ले सकते हैं, लाइक ट्रैकिंग पे ले सकते हैं, हाइकिंग पे ले सकते हैं, फिशिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तरह के फेस्टिवल से जो है लोकल्स की इकनॉमी बढ़ती है और जो इकनॉमी है वो बूस्ट होती है लोकल्स की, और जो हमारा यूथ है लोकल तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है टूरिज़म के अंडर, जैसे टूरिस्ट गाइड होता है, हॉर्स राइडर्स होते हैं, या अगर होम स्टे की बात करें तो इस तरह के कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लोकल यूथ इन्वॉल्व होता है और उनकी इकनॉमी जो है वो बूस्ट होती है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने पूरा मंथ जो हमारा विंटर कार्निवल, हमारा बांडीपुरा विंटर कार्निवल चलता रहा है, जिसमें अलग अलग इवेंट्स हमारे कराए गए। कैथसन में, नागमर में एक इवेंट कराया गया, उसके बाद सुरेंद्र में एक इवेंट था, और आज अथवटू में ये एक इवेंट है। जब हमारा स्नो यहाँ पे अवेलेबल है, इसके बाद जो बाकी के इवेंट्स हैं वो विदाउट स्नो ही करने पड़ेंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये स्नो फेस्टिवल है उसका ये लास्ट इवेंट है। बहुत ही बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और जो यूथ है, यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों ने खुद मिलके इसको ऑर्गेनाइज़ कराने में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा यहाँ पे प्लानिंग की और इसको पूरा जो अंजाम दिया। और हमने देखा कि सिर्फ ना सिर्फ अथवटू से बल्कि अलग अलग इलाकों से भी लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ की जो महफिल है उसको देखने के लिए, यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं उनको देखने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अथवटू जो हमारा इलाका है ये टूरिज़म मैप पर ऑलरेडी है, यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आते हैं, बट आने वाले टाइम में जिस तरह से यहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटीज़ और बड़ी हैं, और अब होम स्टेज़ की भी यहाँ पर बात की गई, आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा टूरिस्ट फ्लो यहाँ पर रहेगा। और ये ऐसी जगह है जहाँ 12 महीने टूरिस्ट फ्लो रह सकता है। विंटर का यहाँ का अपना चार्म है और समर का अपना चार्म है, तो उसी को एक बढ़ावा देते हुए ताकि यहाँ के जो यूथ है वो भी इसमें एंगेज हो सके टूरिज्म इंडस्ट्री में, और जो बाकी लोग हैं जो यहाँ पे जो बाकी स्कीम्स है गवर्नमेंट की उसके बारे में भी लोगों को यहाँ पे बताया गया और उसके बारे में भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक जॉइंट एफर्ट रहा हमारा पुलिस के साथ मिलकर, हमारे जो यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और खासतौर पर जो हमारे यूथ वॉलंटियर्स, उन सब ने मिलकर इसको एक ग्रैंड सक्सेस बनाया।